बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी और अभिनेत्री आतिया शेट्टी ने कल यानी 5 नवंबर को अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास दिन पर आतिया के रूमर बॉयफ्रेंड केएल राहुल ने एक क्यूट सी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर आतिया संग अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। दोनों पिछले काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल ने अपने इंस्टाग्राम पर आतिया के साथ तस्वीरें साझा की। पहली तस्वीर में केएल राहुल और आतिया को पास बैठे देखा जा सकता है। तस्वीर में कपल को अपनी क्यूट स्माइल के साथ देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए केएल राहुल ने कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे माय लव। कई मशहूर हस्तियां और प्रशंसकों ने कमेंट सेशन में दिल के इमोजी बनाए। आतिया और केएल राहुल अपने अफेयर की खबरों की वजह से काफी सुर्खियों में छाए रहे। अब तक वे अपने कथित रिश्ते को लेकर चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ तस्वीरें साझा करते रहते हैं और अक्सर एक दूसरे की पोस्ट पर प्यार भरे कमेंट भी करते हैं। मशहूर भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल फिलहाल यूएई में T20 वर्ल्ड कप में व्यस्त हैं। सुनील शेट्टी ने भी अपनी बेटी को विश करते हुए लिखा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे दिल, मेरी आत्मा, मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरी मुस्कान, मेरी दोस्त, मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरा आशीर्वाद, मेरी ताकत, मेरी कमजोरी और मेरी धूप। आतिया ने 2015 में सूरज पंचोली के साथ हीरो से डेब्यू किया था। उसके बाद वह मुबारका और मोतीचूर चकनाचूर में भी नजर आई थी। अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित मुबारका में अनिल कपूर, अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज भी है। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में आतिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आई थी। आतिया के भाई अहान शेट्टी भी अपनी पहली फिल्म तड़प से बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार है। फिल्म में अभिनेत्री तारा सुतारिया भी मुख्य भूमिका में है। तड़प के ट्रेलर ने रिलीज के बाद से ही सबका ध्यान खींचा है। स्क्रीन पर ट्रेलर के आते ही दर्शकों को इतना पसंद आया कि उन्होंने खुशी से तालियां बजाना शुरू कर दिया। ये देख सुनील शेट्टी भी गदगद हो गए हैं। सुनील शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जो कि सूर्यवंशी के शो के दौरान सिनेमा हॉल में शूट किया गया है। थिएटर से सामने आए इस वीडियो में दर्शकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। सूर्यवंशी देखने पहुंचे लोग फिल्म शुरू होने से पहले अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प का ट्रेलर देखकर सीटियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का ये रिएक्शन देख सुनील शेट्टी काफी खुश है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उपमहानिर्देशक संजय सिंह के नेतृत्व में नवगठित विशेष जांच दल ने शनिवार को मुंबई जोनल ऑफिस में दर्ज आर्यन खान सहित 6 ड्रग्स मामले की जांच शुरू की। सिंह 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह उन सभी 6 मामलों की जांच का जिम्मा संभालेंगे जो पहले क्षेत्रीय निर्देशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में थे, जिसमें 2 अक्टूबर की सनसनीखेज क्रूज शिप पार्टी छापे शामिल हैं। इस मामले में बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने शुक्रवार को इन मामलों की जांच के लिए सिंह की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया है। वानखेड़े के खिलाफ रिश्वत और जबरन वसूली के कथित आरोपों की जांच शुरू की गई थी, जिसके एक हफ्ता बाद उन्हें जांच दल से हटा दिया गया है। शुक्रवार को जारी एनसीबी के बयान में कहा गया है कि एनसीबी मुख्यालय की संचालन शाखा के अधिकारियों की एक एसआईटी का गठन एनसीबी के मुंबई क्षेत्रीय इकाई से कुल 6 मामलों को संभालने के लिए किया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए संजय सिंह से जब बात की गई तो उनका कहना था, We have taken over a group of six cases. We have already issued a statement last night. So I have nothing more to add. बयान में यह भी कहा गया है कि किसी भी अधिकारी को उनकी वर्तमान भूमिकाओं से नहीं हटाया गया है और जब तक इसके विपरीत कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया जाता है तब तक वे आवश्यकता अनुसार संचालन शाखा की जांच में सहायता करना जारी रखेंगे। यह दोहराया जाता है कि एनसीबी पूरे भारत में एक एकीकृत एजेंसी के रूप में कार्य करती है। हालांकि वानखेड़े ने इस बात से इनकार किया कि उन्हें मामले से हटा दिया गया है।
और उन्होंने कहा, मुझे जांच से नहीं हटाया गया है। अदालत में मेरी रिट याचिका थी कि मामले की जांच एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाए, इसलिए आर्यन खान केस और समीर खान केस की जांच दिल्ली विशेष जांच दल कर रहा है। यह दिल्ली और मुंबई की एनसीबी टीमों के बीच समन्वय है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और वानखेड़े के बीच पिछले एक महीने से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एनसीपी नेता ने एनसीबी मुंबई के प्रमुख पर चौंकाने वाले खुलासे किए। इसके अलावा एक गवाह द्वारा एक हलफनामे में उन पर जबरन वसूली का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी के राजनेता और जहाज पर छापेमारी आदि के दौरान वांछित अपराधियों को शामिल किए जाने के आरोप भी लगाए गए। संकटग्रस्त वानखेड़े अपने खिलाफ कार्यवाही से सुरक्षा की मांग करते हुए राजनेताओं से लेकर वैधानिक पैनल तक अदालतों तक दौड़ लगा रहे हैं और हाल ही में पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तारी के मामले में 3 कार्य दिवसों के नोटिस के रूप में राहत दी गई है। कार्डेलिया क्रूज जहाज पर एक कथित रेव पार्टी पर छापेमारी के दौरान वानखेड़े ने आर्यन खान और 7 अन्य लोगों को पकड़ा था और बाद में इस मामले में 12 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आर्यन और अन्य आरोपियों ने 1 महीने से अधिक समय जेल में बिताया और उन्हें हाल ही में शर्त जमानत मिली है। अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाने वाली अभिनेत्री तापसी पन्नू ने लंदन के लिए अपने प्यार का इजहार किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रतिष्ठित सेंट जेम्स कोर्ट होटल में अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं और इसके कैप्शन में लिखा, लंदन की ठंड सुबह में मुझे गर्म कॉफी की याद आती है। घर से दूर घर वापस आने के लिए पहले से ही यकीन है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगी। यह काफी हद तक सच है कि तापसी को यात्रा करना पसंद है। अभिनेत्री कड़ी मेहनत करती है लेकिन हमेशा एक नई फिल्म की यात्रा पर निकलने से पहले कुछ समय खुद के लिए समय निकालने का प्रयास करती है। बैक टू बैक फिल्मों के व्यस्त शेड्यूल के बाद तापसी हाल ही में अपनी छुट्टियों के लिए लंदन में थी, जहां उन्होंने खरीदारी की और शहर के फ्लेवर को अपने दिल में बसाया। कुछ समय पहले एक्ट्रेस ने अपने आखिरी लंदन ट्रिप की तस्वीरें और किस्से शेयर किए थे। उन्होंने लॉर्ड्स का भी दौरा किया और मिताली राज की जर्सी पहने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जो भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान की यादगार चीजों से बहुत प्रभावित दिख रही थी। तापसी ने हाल ही में अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर की थी। इन तस्वीरों में तापसी ब्लैक सूट और रेड दुपट्टा पहने काफी खूबसूरत लग रही थी। तापसी अगली बार श्रीजीत मुखर्जी द्वारा निर्देशित आगामी बायोपिक शाबाश मिट्टू में मिताली राज की भूमिका निभाती नजर आएंगी। उनके पास इसके अलावा कई अन्य दिलचस्प परियोजनाएं हैं। वह तेलुगु फिल्म मिशन इम्पॉसिबल लूप लपेटा अनुराग कश्यप की दोबारा और ब्लर में दिखाई देंगी। लूप लपेटा में तापसी को ताहिर राज भसीन के साथ जोड़ा गया है। फिल्म का निर्देशन आकाश भाटिया ने किया है। दोबारा में तापसी को उनके थप्पड़ के सह कलाकार पावेल गुलाटी के साथ देखा जाएगा। ब्लर में अभिनय के अलावा तापसी फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगी। ब्लर को उनकी नव घोषित प्रोडक्शन कंपनी आउटसाइडर फिल्म्स द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। फिल्म का निर्देशन अजय बहल करेंगे, जिन्हें उनकी 2019 की रिलीज सेक्शन 375 के लिए जाना जाता है। ब्लर को पवन सोनी और अजय बहल ने संयुक्त रूप से लिखा है। एक्ट्रेस पहले ही फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर कर चुकी है। तापसी ने कहा, ब्लर एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मैं इस फिल्म के साथ एक निर्माता बनने के लिए खुश हूँ और सह निर्माताओं और टीम के समर्थन से मुझे यकीन है कि यह एक बेहतरीन फिल्म होगी। समृद्धि यात्रा। अजय के साथ सहयोग करना उतना ही रोमांचक है जितना मैंने उनके काम को देखा है। वह ब्लर की मनोरंजक कहानी को पर्दे पर लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। Now and press the bell icon. Never miss an update.